विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। विजयावर विधायक राजेश शुक्ला ने पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और देश के कोने कोने में विकास की गंगा बह रही है। कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना, गरीबी रेखा सहित कई योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैलेंडर का विमोचन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का। आज शासन की योजनाएं बताने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ कि जन जन तक इतनी योजनाएं पहुंचाते हैं कि पीछे बैठा आदमी भी मध्य प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं को जानता है। अभी अभी आपने देखे लाडली लक्ष्मी बिटियों को प्रमाण पत्र दिए गए, जिन्हें 1,43,000 रुपया लास्ट में मिलता है। उज्ज्वला योजना के अंदर आपके सामने गैस के चूल्हे बांटे गए, BPL के परमिट बांटे गए, आवास योजना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं आप देखो, लाडली बहना योजना। विजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।